कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर रेप और हत्या मामले में एक महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। ना तो सरकार अभी तक न्याय दिला पाई है, ना ही डॉक्टरों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन का समाधान निकाल पाई है। चूंकि डॉक्टर को इंसाफ और प्रदर्शन एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हैं, इसलिए सरकार किसी का भी हल नहीं निकाल पाई है। सीधे शब्दों में कहें तो इस डेढ़ महीने में बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस दोनों पूरी तरह से फेल रहे हैं। अब इसी मामले में अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ कोलकाता के पुलिस के एक एसएचओ अभिजीत मंडल को भी अरेस्ट कर लिया गया है। एसएचओ पर आरोप है कि उसने रेप और हत्या मामले में सबूत मिटाए हैं या गायब किए हैं। साथ ही संदीप घोष और अभिजीत मंडल पर जांच को गुमराह करने का भी आरोप है। ऐसे में पहला सवाल तो ये है कि इन दोनों आरोपियों का सबूत मिटाने और जांच को गुमराह करने में क्या फायदा था। दोनों आरोपियों को 14 सितंबर की देर शाम गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी तक सीबीआई ने इनकी गिरफ्तारी और इनकी भूमिका को लेकर कोई साफ जानकारी नहीं दी है। याद रहे कि घटना के दो दिन बाद ही संदीप घोष के दुलमुल रवैये और तमाम आरोपों के चलते उन्हें आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल पद से हटाया गया था। कमाल की बात है कि तुरंत ही एक दूसरे अस्पताल में उन्हें टॉप पोस्ट पर वापस नियुक्ति भी दे दी गई थी, जिससे आप संदीप घोष के रसूख और सिस्टम के अंदर उसकी पकड़ का अंदाजा लगा सकते हैं। आरजीकर में अपने कार्यकाल के दौरान संदीप घोष पर कमीशन, घूसखोरी, मेडिकल वेस्ट को बेचने समेत दूसरे वित्तीय घोटालों के आरोप हैं, जिनकी जांच सकारात्मक दिशा में जाती दिख रही है। इन सब के अलावा जो सबसे गंभीर आरोप है वो ये कि आरजीकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाई गई लाशों का संदीप घोष की देखरेख में अनाधिकृत इस्तेमाल किया जाता था। इन सबसे अलग बंगाल सरकार के खिलाफ डॉक्टरों का गुस्सा डेढ़ महीने बाद भी कम नहीं हुआ है। ममता सरकार से नाराज चल रहे डॉक्टर अपनी 5 मांगों पर अड़े हैं। वहीं उनसे बातचीत करने गई ममता बनर्जी को बैरंग लौटना पड़ा। ममता बनर्जी बार बार प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से बातचीत करने को कह रही हैं, जबकि छात्र चाहते हैं कि पहले बनर्जी उनकी मांगों पर हामी भरें, तब बातचीत की जाएगी। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आंदोलनकारी डॉक्टर्स की ओर से 5 मांगे रखी गई। पहली, ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद सबूतों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो और उन्हें सजा दी जाए। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। तीसरी, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम इस्तीफा दें। चौथी, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की जाए। पांचवी, सरकारी अस्पतालों में धमकी देने के कल्चर को खत्म किया जाए। ममता बनर्जी से बातचीत करने वाले छात्रों को यह भी अंदेशा है कि यदि वे बातचीत करने गए तो शायद उन्हें कोई तीसरा विकल्प पकड़ा कर प्रदर्शन बंद करवाया जा सकता है और उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। 14 सितंबर की इस शाम छात्रों का एक गुट ममता बनर्जी से बात करने उनके आवास पर भी गया, लेकिन उन्हें भी इंतजार कराया गया, फिर अज्ञात कारणों के चलते मीटिंग नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने छात्रों से मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करने की शर्त रखी थी, लेकिन छात्र इसके लिए तैयार नहीं थे। फिलहाल बातचीत बाकी है, देखना होगा कि कब तक ममता बनर्जी छात्रों की मांगों को दरकिनार करती है।